हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। दोस्तों, आपने कई पर्वतों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी शक्तिशाली रहस्यमय पर्वत के बारे में बताएंगे जहां अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। ऐसा पर्वत जिसकी चोटी पर पहुंचने से पहले ही कदम लड़खड़ाने लगते हैं और कोई भी उसके शिखर तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत, जहाँ साक्षात भगवान शिव विराजते हैं। कहते हैं यह पावरफुल शक्तियों का भंडार है और यही वजह है कि आज तक कोई भी इसके रहस्य को सही से नहीं जान पाया। कैलाश पर्वत की इतनी मान्यता है कि यहाँ हर धर्म के लोग परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, जिससे कई मान्यताएं जुड़ी है। जैसा कैलाश पर्वत का चक्कर लगाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, वहीं किसी का कहना है कि यहाँ परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तपस्वी कठोर साधना करने के लिए भी पहुँचते हैं। कहते हैं कि वो ऐसी साधना को सिद्ध करने आते हैं जिसे कभी रावण ने हासिल कर लिया था, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। देश विदेश के वैज्ञानिक इस खोज में जुटे हैं कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है कि कोई भी इस पर नहीं चढ़ पाता, कोई इस पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया। ये पर्वत इतना रहस्यमय है कि आज तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं सका है। हालांकि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और उस पर कई लोग पहुंच चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत पर नहीं। इसके पीछे लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव ध्यान मुद्रा में रहते हैं, यही वजह है कि यहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता। अगर कोई साहस करता भी है तो वो मौत को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धा वालों का कहना है कि अगर कोई कैलाश की चोटी पर पहुँचने की कोशिश करता है तो तेज बर्फीला तूफान आ जाता है या फिर पैर अपने आप पीछे हटने लगते हैं। इस पर्वत पर आकर सारी दिशाएं मिल जाती है। शिवलिंग के आकार का ये पर्वत किसी चमत्कारी पर्वत से कम नहीं। यहाँ ऐसी अलौकिक क्रियाएं होती है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कहते हैं यहाँ आत्माओं का वास होता है। ये ऐसा पर्वत है जहाँ आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। दरअसल जब कैलाश पर्वत पर सूरज की किरणें पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता नजर आता है, जिसे देख ऐसा लगता है कि कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए हों। कैलाश पर्वत को शंभू भी कहा जाता है, जहां अलौकिक शक्तियां विद्वान हैं। कैलाश पर प्रकाश और ध्वनि का अद्भुत संगम से ओम की जो ध्वनि सुनाई देती है वो सबको मन मुक्त कर देती है। किसी को नहीं पता ये आवाज कहां से आती है। गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलती है तो यह मधुर सी आवाजें सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये आवाज मृदंग की ध्वनि जैसी होती है। इसे सुनकर हर कोई कुछ टाइम के लिए ठहर जाता है। कैलाश पर्वत के पास मीठे पानी की एक झील भी है, जिसे मानसरोवर झील कहते हैं। मान्यता है कि अगर कोई इस झील में एक बार डुबकी लगा ले तो वो रुद्रलोक को प्राप्त हो जाता है। मानसरोवर के दूसरी ओर राक्षस झील भी है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है। हालांकि दोनों झीलें एक दूसरे के आसपास हैं, लेकिन एक झील पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाती है तो दूसरी नेगेटिव को। मानसरोवर झील में स्नान करने के लिए सबसे सही समय सुबह 3 से 5 बजे तक का होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। मान्यता है कि इस समय देवता भी स्नान करने आते हैं। कैलाश पर्वत 4 अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें एक सोना भी है। पर्वतों से घिरा कैलाश कमल की तरह दिखता है। कहते हैं जिस सिद्धि को पाने के लिए साधुओं को कई साल लग जाते हैं वो कैलाश पर कम समय में ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ देवों के देव महादेव विराजते हैं। यही वजह है कि कैलाश को आध्यात्मिक केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने पर ऐसा वातावरण मिलता है कि आप काफी खुशी महसूस करने लगते हैं। सारा तनाव छू मंतर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी पावरफुल शक्तियाँ हैं जो आपके सारे दुख दर्द को हर लेती है, या यूं कहे कि कैलाश पॉजिटिव एनर्जी का गढ़ है। जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जाने वाले यात्रियों ने अपने बाल और नखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है। उनका कहना है कि यहाँ बाकी जगह के मुकाबले समय तेजी से आगे बढ़ता है। वैज्ञानिक अभी इस बात को नहीं जान पाए कि ऐसा क्यों होता है।
है। विज्ञान ने खड़े किए हाथ। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मिथ है, लेकिन हमारे पास आपके इस सवाल का भी जवाब है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि कैलाश पर्वत अद्भुत अलौकिक शक्तियों का गढ़ है। दरअसल कैलाश पर्वत के रहस्यमय घटनाओं को जानने के लिए कई रिसर्च की गई, जिसमें विदेशी माउंट क्लाइंबर्स ने भी मान लिया है कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। एक बार माउंट क्लाइंबर कर्नल आरसी वर्सन ने कहा कि इस पर्वत पर चढ़ा जा सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पर चढ़ाई शुरू की तो उन्होंने अजीब सा महसूस किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश के शिखर तक पहुंच सकता हूं, वैसे ही भयानक बर्फबारी ने मेरे रास्ते रोक दिए और चढ़ाई को असंभव बना दिया। ऐसा ही कुछ रूसी माउंट क्लाइंबर्स ने भी महसूस किया। उनका कहना है कि जैसे ही मैं पर्वत के बिल्कुल सामने था, अचानक से मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगे कि यहाँ से फौरन वापस लौट जाना चाहिए। कोई कहता है कि यहाँ पहुँचने पर अचानक से मौसम बदल जाता है, कभी तूफान आ जाता है तो कभी आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लगता है। ऐसे में कैलाश की चोटी पर पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। आखिर में वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि यहाँ कुछ तो अलग है जो इंसानों के समझ से परे है, जिसके सामने विज्ञान भी हाथ खड़े कर देता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी।